हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, आप हम बात करने वाले हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ALP की जो साइको टेस्ट आपका CBT 3 होने वाला है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए मैंने कल वीडियो शाम प्रोवाइड कराई थी। कल शाम जो है आपके लिए जो आपका सिटी इंटीमेशन है, एग्जाम सेंटर है, शिफ्ट, वो सभी जो है रेलवे ने ऑफिशियली प्रोवाइड करा दिए हैं। लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया, अभी भी लिंक एक्टिवेट है। अगर आपने चेक नहीं किया तो कर सकते हैं, और अगर आप चेक करना नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है आपके लिए, ठीक है। कल वीडियो प्रोवाइड कराई है, इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा बता दिया किस तरह से आपको चेक करना है अपना साइको टेस्ट का एग्जाम सिटी सेंटर। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये आती है कि आपका जो एग्जाम जब सिटी सेंटर देखेंगे तो वहाँ पर जो है एग्जाम लैंग्वेज लिखकर आएगा, ठीक है। एग्जाम लैंग्वेज किसी छात्र के में हिंदी आ रहा है तो किसी के में इंग्लिश आ रहा है, किसी में गुजराती, किसी के में बंगाली। तो बहुत से छात्र जो है वो कह रहे हैं कि सर हमने इंग्लिश में प्रिपरेशन की है साइको टेस्ट की और हम कैसे दे पाएंगे, और बहुत से छात्र कह रहे हैं कि हमने हिंदी में तैयारी की तो हम कैसे साइको टेस्ट कर पाएंगे। हमारी जो एडमिट कार्ड निकल रहा है, यानी कि जो एग्जाम सेंटर सिटी इंटीमेशन है, उसमें एग्जाम लैंग्वेज लिखकर आ रहा है, वो कैसे हम कर पाएंगे अब, ठीक है। बात भी आती है क्या आप जो है एग्जाम में बैठने के बाद लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बैटरी टेस्ट कितने मिनट का, बैटरी टेस्ट जितने भी बैटरी टेस्ट आपके कितने कितने मिनट के आपके होंगे, वो भी यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियली। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही फ्रेंड्स एक बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये रेलवे का जो ALP की वैकेंसी निकली थी उस टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें भी साफ साफ ये मेंशन हो रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सेल हैव क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर बोला गया है केवल इंग्लिश और हिंदी में ही आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो क्वेश्चन जो आपके CBT में आएंगे वो केवल इंग्लिश और हिंदी में ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। जिस भी छात्र के मतलब उसमें जो आपका साइको टेस्ट का एडमिट कार्ड है, उसमें जो आप एग्जाम सिटी सेंटर देख पा रहे हैं, तो उसमें जो है अगर हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, गुजराती, बंगाली, फारसी, जो भी लैंग्वेज आता है, उससे किसी छात्र को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये साफ साफ ही मेंशन हो रखा है कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो केवल ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी, और हिंदी और इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी में भी क्वेश्चन दिए होंगे। जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में जो कुछ भी है, कोई भी लैंग्वेज यहाँ मेंशन हो रही हो, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चिंता करनी जरूरत है। साफ साफ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चीज़ को दे रहा है, तो ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, एक और जो है प्रूफ देख लेते हैं इसके रिलेटेड, कि इंग्लिश और हिंदी को रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो है यहाँ पर NTPC 2016 में जो साइको टेस्ट करवाया गया था, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका अभी भी मॉक टेस्ट का लिंक जो है एक्टिवेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो 2016 में NTPC का साइको टेस्ट की मॉक टेस्ट लिंक है, वो अभी भी एक्टिवेट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और कुछ देखिए, जो ALP का साइको टेस्ट होने वाला है और जो NTPC का जो साइको टेस्ट हुआ था 2016 में, बिल्कुल ही अलग है। कोई भी इसमें मतलब सभी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा भी ALP और NTPC का साइको टेस्ट में जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ALP का सिलेबस में दिया है साइको टेस्ट, उस डेप्थ परसेप्शन यहाँ पर दिया है ALP वाले और NTPC दोनों छात्रों को, ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एक दो मिल जाते हैं चैप्टर इसमें सिलेबस में, वो यहाँ पर आपको देखने होते हैं। तो चलिए हम इसी को ओपन कर लेते हैं, 6 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कैसा क्या है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके सामने होगा, ये एक्टिव लिंक है अभी भी NTPC 2016 की एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो इस पर हम साइन इन करते हैं और देखते हैं, इसी तरह से बिल्कुल आपकी ALP की मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट की जाएगी। जब आप दो मई को आपकी एक्टिवेट की जाएगी मॉक टेस्ट की लिंक, जो 10 मई तक आपकी एक्टिवेट रहेगी, ठीक है। और 10 मई को ही आपका आपका साइको टेस्ट करवाया जाएगा। तो छात्र जो है सभी को उस टाइम 100% श्योर हो जाएगा कि कैसा क्या वहां पर रहने वाला है। तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और पूरा यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया होगा, और नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड्स यहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर कुछ इस तरह से आएगा, और आपको यहां पर एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद I am ready to begin यहां पर कर देना है। जैसे आप इस पर इस तरह से कर देंगे, देखिए थोड़ा नेट स्लो है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। मैं इसे डेस्कटॉप मोड में ले लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है
टाइम चल रहा है, ठीक है, टाइम भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन हो रखा है, अगर आप अदर किसी लैंग्वेज में होता तो उसमें भी आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया होता। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन जैसे ही आप जहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे और यहाँ पर आपको सेव करेंगे तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। तो छात्र परेशान ना हो, उनके एडमिट कार्ड में साइको टेस्ट वाले कुछ भी लिखाओ, कोई भी जो है लैंग्वेज लिखी हो, वो छात्र परेशान ना हो, मैं उनका केवल केवल यहाँ पर साफ साफ ही मेंशन हो रखा है कि साइको टेस्ट इंग्लिश और हिंदी में आएगा। अगर आपका गुजराती, बंगाली या अदर किसी लैंग्वेज में आपका साइको टेस्ट या लैंग्वेज आती, क्वेश्चन आते, तो उसमें भी आपका साइको टेस्ट यहाँ पर जो है उस लैंग्वेज में भी होता, ठीक है। जब यहाँ पर केवल हिंदी और इंग्लिश में है तो आपका कोई भी यहाँ पर आपका साइको टेस्ट में लैंग्वेज नहीं आएगा, ठीक है। तो जो छात्र परेशान है, वो छात्र परेशान ना हो, सभी का एक ही तरह का आएगा लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात यह है कि यहाँ पर कौन सा बेंटी टेस्ट जो है कितने टाइम में करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि कौन सा टेस्ट किस कितने टाइम में करवाया जाएगा। बेसिकली तो 71 मिनट का पूरा साइको टेस्ट आपका होने वाला है, जिसमें सभी पांचों जो है पार्टों में डिवाइड हुए हैं। वो पार्ट होंगे कितने कितने मिनट के, वो यहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिलेंगे। लेकिन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका 2 मई को जो मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी तो सभी 101% 100% आपको जो है श्योरली कन्फर्म करवा दूंगा और कन्फर्म आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये था पूरा अपडेट, आगे का अपडेट जो भी रहेगा बता दिया जाएगा। धन्यवाद उस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।